हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ DSLR 5-in-1 एक्सेसरीज किट का। तो गाइस, ये जो किट है इसे मैंने अमेजोन से लिया है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो गाइस, इस किट में हमें सबसे पहले मिल जाता है एक 55-250 mm लेंस का लेंस होल्ड, अगर इस लेंस होल्ड की बिल्ट क्वालिटी की बात करी जाए तो गाइस इसकी बिल्ट क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। उसी के साथ गाइस हमें मिल जाता है एक 18-55 mm लेंस का लेंस होल्ड, अगर गाइस इसकी भी बिल्ट क्वालिटी की बात करी जाए तो बहुत ही अच्छी इसकी बिल्ट क्वालिटी है। उसी के साथ गाइस हमें मिल जाता है एक लेंस कैप, अगर इसकी भी बिल्ट क्वालिटी की बात करी जाए तो बहुत ही अच्छी है। गाइज ये आपको 58 mm का मिलता है, इसका मतलब आप सिर्फ इसे कैनन के DSLR पर यूज कर सकते हैं। उसी के साथ गाइज ये जो लेंस होड है ये भी आपको कैनन के लिए मिलते हैं, ये जो किट है ये स्पेशली सिर्फ कैनन के लिए है। उसी के साथ गाइज हमें मिल जाता है एक 58 mm का UV फिल्टर, और गाइज इसी के साथ हमें एक एज अ गिफ्ट मिल जाता है माइक्रोफाइबर क्लीनिंग क्लॉथ। तो गाइस, यूवी फिल्टर को लगाने के लिए सबसे पहले आप इसको टर्न कर लीजिए जिस तरफ इसके थ्रेड्स हैं, और उसके बाद गाइस आप इसे डायरेक्टली ही अपने लेंस के ऊपर स्क्रू कर सकते हैं। तो गाइस याद रहे, आपको इसे स्क्रू करना है क्लॉकवाइज, और उसके बाद ये टाइट होकर इस पर फिट हो जाएगा। उसी के साथ गाइस अगर आपको इसके ऊपर हुड लगाना है तो हुड भी आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। हुड को आपको इसके ऊपर जो थ्रेड्स हैं उसके ऊपर लगाना है और उसके बाद क्लॉकवाइज घुमा देना है। गाइस ये जो हुड है ये रिवर्स भी आप इसको लगा सकते हैं। गाइस रिवर्स लगाने के लिए भी आपको डायरेक्टली इस हुड को इसके ग्रिप्स में फिक्स कर टर्न कर देना है। और गाइस कैप को लगाना बहुत ही ईजी है, आप इसको स्क्वीज करके डायरेक्टली लगा सकते हैं। और गाइस जिस तरह से हमने अभी बड़ा वाला हुड लगाया था उसी तरीके से गाइस हम छोटे वाले हुड को भी लगा सकते हैं। बस गाइस इसमें हमें इसके थ्रेड्स में फिट करना है और उसके बाद क्लॉकवाइज इसे घुमा देना है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।